नमस्कार, मैं कबीर स्वागत करता हूं आपका। इस वक्त मैं हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले में हूं, जहां पर सांस्कृतिक पंडाल बनाया गया है। मैं आपको बता दूं कि यह मेला पौराणिक मान्यता के अनुसार ये ऐतिहासिक मेला है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊं कि ये मेला समय के साथ अपने आधुनिक दौर में आ चुका है, जहां पे लिट्टी चोखा के साथ डोमिनोज का मज़ा भी आप ले सकते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, ये जानते हैं उनसे कि मेला के बारे में क्या सोच है उनके। देखिए, मेला का जो विकास होना चाहिए था, अब तक वो विकास नहीं हो पाया है। भले ही जिला प्रशासन से अब इसे पर्यटन विभाग कर रहा है और करोड़ों करोड़ खर्च हो रहा है, लेकिन यहाँ आज भी आप देखिएगा तो बुनियादी जो सुविधाएं हैं मेला में श्रद्धालुओं के लिए वो नागन है। आप सबको पहले यहाँ गज और ग्राह को लेके एक पौराणिक ये था कि जब गज और ग्राह की लड़ाई हुई थी, असत्य और सत्य के विजय के रूप में इस मेला को जाना जाता था। और उसी समय कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान के साथ यह मेला शुरू होता था। हाथी घोड़े जो है ये होते थे और पशुओं का एक बड़ा मेला था। रेलवे के राजस्व की बात करें तो देश का यह पहला मेला था जो पूरे मतलब रेलवे का सबसे ज़्यादा राजस्व एक महीना में सोनपुर रेल मंडल से आता था, और केवल मेला का दिन था। आज सारी स्थितियाँ बदल चुकी हैं, बाजार से हाथी गायब है, घोड़ा गायब है, ऊँट गायब है। अगर आप जानवर के शौकीन हैं तो पहले जैसे यहाँ लोग आते थे युद्ध में, राजा जब हुआ करते थे तो उस समय लोग आते थे अपने अस्त्र शस्त्र को खरीदने के लिए, घोड़े हाथी को खरीदने के लिए और युद्ध कौशल आजमाने के लिए। यहाँ बजाबते मैदान बना हुआ था हाथी बाजार घोड़ा, इससे हमारी यादें जुड़ी हुई है, हमारे मिट्टी की याद जो हमको ताज़ा करता है कि हम मतलब सोनपुर मेले में हैं। और इसको लेके हम लोग जब आते हैं ना तो ज़रूर जाते हैं। ये घिरनी है, ये देखिएगा आज अत्याधुनिक युग में अब तरह तरह के